हेलो फ्रेंड्स, माइंड बूस्टर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। अभी लास्ट जो क्लास चली थी वो ट्रांसपोर्टेशन इन द ह्यूमन बीइंग्स चली, उसके बाद क्या है ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट्स चली, अब जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम की बारी आई, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है इन ऑल द लिविंग बीइंग्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है कि शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप हो रहे हैं, विभिन्न प्रकार के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है। इस एक्टिविटी के दौरान क्या है बहुत सारे जो है वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं, बाय प्रोडक्ट भी बनते हैं, जो कि क्या है जीव जंतुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए, सभी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो प्रकृति ने ऐसा एक वरदान दिया है कि इन सब सिस्टम चीज को जो है बाहर करने का के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है, जिसको कि हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो जो हमारे शरीर के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है, जो हमारे लिए हार्मफुल है, वह क्या है वह उसको शरीर जो है हमारे से आउट करता है, उसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो याद रहे एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब क्या हुआ, वह सिस्टम जिसके अंदर शरीर के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हमें बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। यह जो है सभी लिविंग बीइंग्स के अंदर पाई जाती है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, चाहे वो मैमल्स हो, चाहे कोई एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, सभी में एक्सक्रीटरी सिस्टम पाई जाएगी। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे लाइफ प्रोसेसेस का सबसे इंपॉर्टेंट भाग एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत देखा जा रहा है कि बहुत एक पूरा का पूरा जो ह्यूमन बीइंग्स बनाया गया है उसमें सारी चीज दिखाई जा रही है, कैसे नॉस्ट्रल दिखाया जा रहा है, लंग्स दिखाया जा रहा है, फिर उसका एलिमेंट्री कैनाल भी है, किडनी भी है, सारी चीजें है। यहां पर क्या है यूनिसेलर के अंदर जो है वो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर दिखाई जा रही है, किस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल्स है, और जो सारी साइटोप्लाज्म है, ये सारी चीजें जो है उसके अंतर्गत दिखाई जा रही है, और ये किस तरीके से क्या है डिफ्यूजन के माध्यम से जो है इसके अंदर जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीशन का काम होता है। और यहां पर जो है जो वाटर वेपर्स निकलता है वो स्टोमेटा के माध्यम से जो है वो आउट होता है, निकलता है, जो बाहर विष जो होते हैं वो उससे निकलते हैं। नेक्स्ट, अब एक बात समझेंगे कि हमारे शरीर के अंदर जो है क्या क्या जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, और जिसको क्या है हम अपने शरीर से त्यागते हैं। तो स्किन से क्या होगा स्वेटिंग, पसीना जो है, सीवम जो है वो क्या है नाक के ऊपर जो है ऑयली जो हो जाता है, गाल के पास ऑयली हो जाता है वो सीवम कहलाता है, और साल्ट्स होते हैं। साल्ट देखा कि पसीने के अंदर जब साल्ट भींग जाती है और जब सूख जाती है तो क्या होता है उस पर सफेद सफेद लाइनिंग पड़ जाती है, तो वो क्या है साल्ट होता है। तो स्किन के द्वारा स्वेट, सीवम और साल्ट, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्या है लंग्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, हम ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये भी हमारे लिए वेस्ट है, इसलिए हमको क्या है इसको लंग्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वेपर और साथ में कफ, जब हम खांसते हैं तो कफ जो निकलता है वो भी वेस्ट है, उसको भी क्या है लंग के माध्यम से निकलता है। नेक्स्ट है इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में क्या है काइल होता है, फीकस होता है, जो कि क्या है विस्टा के रूप में, लैट्रिन के रूप में जो है आउट करते हैं, वो भी क्या है एक्सक्रीशन का काम होता है, ये भी क्या है वेस्ट है। अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो जो निकलता है वो भी क्या है उसको बाहर करता है। लीवर से क्या है अमोनिया, अमोनिया से क्या है यूरिया का जो है निर्माण होता है वो भी क्या है उसको आउट करने का काम करता है। और किडनी जो है यूरिया को निकालती है, यूरिया को कैसे यूरिन में, और यूरिन से क्या है मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत जो है यह एक्सक्रीशन की प्रक्रिया जो होती है पूर्ण होती है। तो हमारे शरीर में जो मुख्य मुख्य जो चीजें होती हैं वो मैंने बताया स्वेट, सीवम, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, फीकल, यूरिया और यूरिन। याद रखेंगे सबसे मोस्ट पॉइजनस जो चीज होती है वो क्या है यूरिया होता है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत घातक होता है, वह किडनी जो है छान करके यूरिन के रास्ते जो है उसको बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट, अब देखेंगे कि एक्सक्रीशन के अंतर्गत जो है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो है पूरा क्या क्या है एक्सक्रीटरी ऑर्गन बना हुआ है, वो किडनी है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है। प्लांट्स में जो है वो वहां से इसको वेपर के फॉर्म से निकल रहा है। यूनिसेलुलर में अमीबा का है, अमीबा में क्या है डिफ्यूजन की प्रक्रिया हो रही है। और यहां पर क्या है वो जो अर्थवर्म है उसके अंदर जो है नेफ्रिडिया पाया जाता है, जिसके माध्यम से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है निकलते हैं। तो एक्सक्रीशन इन द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। जो मेटाबॉलिक नाइट्रोजन वेस्ट है उसका हमारे शरीर से बाहर निकलना ही क्या कहलाता है
एक्सक्रीशन कहलाता है, यह बात ध्यान रखेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो रिमूव करता है किससे, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा जो है वो निकाल देता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। ये कहां होगा, यूनिसेलुलर के अंदर पाया जाएगा। और कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होगा स्पेशलाइज्ड ऑर्गन एक्सक्रीशन, यह क्या है, यह ह्यूमन बींग्स में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाएगा। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको पूरा का पूरा सिस्टम कि किस तरीके से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, अमीबा, अर्थवर्म, ये तीनों में चारों में किस तरीके से एक्सक्रीशन की प्रक्रिया होती है। क्लियर हो गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, अब देखिए कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से पूरा का पूरा जो है वो किडनी एडजस्ट होता है, और ये किडनी जो है ये यूरेटर के माध्यम से फिर आकर के यूरेथ्रा में आता है। पूरा ये स्ट्रक्चर ये क्लियर यहां पर किया गया है कि किस तरीके से मैनेज होता है। नेक्स्ट, अब देखिए कि एक्सक्रीशन इन द ह्यूमन बींग्स, अब हम यहां पर क्लियर समझ लेंगे कि किस तरीके से पूरा का पूरा पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ यूरेटर, ए यूरिनरी ब्लैडर, ए यूरेथ्रा, पेयर ऑफ किडनी, किडनी जो होता है बीन शेप स्ट्रक्चर में होता है, पहली बात समझना, बीन शेप स्ट्रक्चर में होगा। जो राइट किडनी है और जो लेफ्ट किडनी है इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, लीवर के कारण जो है दबने कारण ये किडनी थोड़ी सी नीचे होती है, ये जो है ऊपर होती है। अब ये क्या होगा, किडनी से जो है वो क्या होगा, यूरेटर निकलेगा, और ये जो क्या होगा, यूरेटर जो है आकर के क्या है, यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है, और यहां पर यूरेथ्रा होता है, यहां से पेशाब जो होता है बाहर निकल जाता है। क्लियर हुई बात। अब इसके बाद यहां पर पुनः एक बार देखिएगा, जो एकदम क्लियर पिक्चर बनाया है, बीन शेप्ड किडनी हो गई, यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया। तो मतलब हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के चार प्रमुख पार्ट हैं, वो किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। क्लियर हो गई बात, एकदम समझ में आ गया। अब यहां पे देखेंगे, किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, वन और आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके ठीक साइड में जो है वो क्या, बीचों बीच में ये सेट होता है, किडनी होती है। द पर्पज ऑफ मेकिंग द यूरिन फिल्टर आउट द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, जो ब्लड के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको फिल्टर करके पेशाब बनाने का काम, यूरिन बनाने का काम कौन करता है, यह एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है। क्लियर हो गई बात, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, नेक्स्ट, अब यहां पे देखेंगे कि इस स्ट्रक्चर को जो हमने थोड़ा सा और आगे किया, तो याद रखेंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। क्लियर हो गई बात, नेफ्रॉन जो होता है उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से हम मान करके चलते हैं। यह हमने पूरी डिटेल आपको बता दी। अब यहां पर क्या है कि यह स्ट्रक्चर इसका नेफ्रॉन का होता है, यहां पर इसको कहते हैं बॉबिन कैप्सूल। बॉबिन कैप्सूल जो होता है वो कॉर्टेक्स रीजन में होता है, और यह जो होता है यहां पर लूप ऑफ हेनलीस को बोलते हैं, यह मेडुला रीजन में होता है, और इससे जो है इसमें डिसेंडिंग और असेंडिंग जो है लिंब होती है, आगे के पोर्शन में भी वीडियो आएगी उसमें और अच्छा समझ में आएगा। और ये क्या है, कंडक्टिंग डक्ट है जिसके माध्यम से पूरा का पूरा यहां से जो है ब्लड छन करके और आगे बढ़ता है और कंडक्टिंग जो है डक्ट में पहुंचता है। नेक्स्ट, अब यहां पर देखेंगे कि किस तरीके से किडनी के अंदर रीनल आर्टरी के माध्यम से ब्लड जा रहा है और लगातार छनने की प्रक्रिया जो है ये पूरी हो रही है। एक किडनी के अंदर लगभग लाखों की संख्या तादाद में जो है वो नेफ्रॉन्स होते हैं, जो नेफ्रॉन है उनके से जो है छनने का काम जो है प्रक्रिया जो होती है और ग्लोमुलर ट्रिब्यूल्स के माध्यम होती है, जिसको कि हम अभी और आगे जब हम डिटेल स्टडी करेंगे तो समझेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद आगे ये देखेंगे कि पूरा जो स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया कि बॉबिन जो इस एक नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर होता किस तरीके से, यहां पर इसको कहते हैं बॉबिन कैप्सूल, दिस इज द कप शेप्ड स्ट्रक्चर, कप लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या होगा, यहां पर होगा ये एफरेंट होता है वेसल्स, और जो यहां से निकलती है उसको कहते हैं इफरेंट वेसल्स। याद रखना है यहां पर बहुत अच्छे से, अल्फाबेट में
एफरेंट जो होता है वो पहले आता है, तो पहले एफरेंट से ब्लड आएगा और यहां पर छन करके क्या आएगा, इफरेंट से निकलेगा। तो ए से एफरेंट, ई से इफरेंट, तो ए पहले ई बाद में। ए जो होता है वो चौड़ा होता है, ई जो होता है पतला होता है, ये ध्यान रखेंगे। इसको कहते हैं बॉबिन कैप्सूल, ये ग्लोमेरुलर ट्यूबुल से ये अंदर होते हुए इस तरीके से छनते हुए जो है ब्लड जो है वो उसके वेस्ट जो है वो निकलता है और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। क्लियर हो गई बात, बहुत अच्छे समझ गए। अब यहां पर देखेंगे द यूरिन फ्रॉम द ईच किडनी इंटर्स द लॉन्ग ट्यूब यूरेटर विच इज द पासेस द यूरिनरी ब्लैडर एंड स्टोर्ड इन इट। अब यहां पर क्या, एज द ब्लैडर एक्सपेंडेड प्रेशर इंक्रीज द लीड द यूरेज ऑफ द यूरिनेट थ्रू द यूरेथ्रा। द ब्लैडर इज द मस्कुलर, सो इट इज द अंडर द नर्वस कंट्रोल, एज ए रिजल्ट ऑफ वी कैन द कंट्रोल द अर्ज टू द यूरिनेट। बहुत क्लियर समझेंगे। यहां से क्या हुआ, जो रक्त है वो छनना शुरू हुआ, वेस्ट के रूप में जो है यूरिन बनना शुरू हुआ, यूरिन जो है यूरेटर के माध्यम से क्या हुआ, यूरिनरी ब्लैडर में आया। यह एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जैसे ही क्या होगा यूरिन यहां पे ज्यादा मात्रा में हो जाएगा, तुरंत हमको क्या है एक आभास से होगा कि हाँ हमें यूरिनेट करने जाना है, और यूरिनेट करने जाना है तो यूरेथ्रा के माध्यम से क्या है हम उस वेस्ट को पेशाब के रास्ते मान यूरिन जो है वो निकाल देते हैं, तो जो यूरिया है वो यूरिन के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के क्या है हमारी बॉडी से निकल जाता है। नेक्स्ट, अब यहां पर देखेंगे कि पूरा का पूरा एक ह्यूमन बींग्स के अंदर किस तरीके से स्ट्रक्चर, जो बात मैंने आपको समझाई वन पेयर बीन शेप किडनी, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हुआ। यहां से क्या हुआ, ये यूरेटर जो है आया, यूरेटर आने के बाद क्या हुआ कि पूरी प्रक्रिया जो है वो इस तरीके से आकर के यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से क्या हुआ यूरेथ्रा में, और इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर ये कंप्लीट मैंने ह्यूमन बींग्स के अंदर समझाया। किडनी में भी दिखाया जा रहा है कैसे कॉर्टेक्स और मेडुला का रीजन होता है, आगे हम इसको बहुत भली बात ही समझेंगे जब मैं स्केच करके बनाऊंगा। नेक्स्ट, अब यहां पर यह देखिए कि जो हमने यहां पर आपको बताया कि यहां से एफरेंट से होकर के ब्लड जाएगा, ब्लड जाकर के यहां पर जो है वो छनेगा, छनने के बाद क्या होगा वो इफरेंट से निकलेगा। तो यहां पर जो ब्लड जो छनता है वो छनने में क्या है कि पूरा का पूरा जो है ब्लड प्लाज्मा नहीं छनता है, केवल 5% छनता है, और यहां से फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है, यह फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया होते हुए लूप ऑफ हेनली से होते हुए कंडक्टिंग टिश्यू में चली जाती है। कंडक्टिंग जो वहां पर बनी होती पूरा का पूरा वेसल्स, उसमें जो है वो पूरा का पूरा जो है वो यूरिन जो है वो जाता है, वहां से बिग उसमें यूरेटर में जाएगा, और वहां से क्या रीनल पेल्विस में जाएगा, और फिर उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा और यूरेथ्रा से निकलेगा। यह प्रक्रिया जो कंप्लीट होती है, ध्यान रखेंगे ग्लूकोज अमीनो एसिड साल्ट द मेजर अमाउंट ऑफ द वाटर इनिशियली फिल्ट्रेट एंड सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब। यहां तो क्या होता है सब कुछ छान दिया जाता है, सब कुछ जो भी चीजें छन रही है छन रही है, लेकिन उसमें से जो चीजें जरूरी है, वाटर जरूरी है, ग्लूकोज जरूरी है, NaCl जरूरी है, अमीनो एसिड जरूरी है, उसका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, यहाँ पे रीएब्जॉर्ब कर लेता है कि पूरी की पूरी चीज़ें छन करके पेशाब से निकल जाएंगी तो शरीर में ताकत कहाँ से लगेगी, तो इसलिए उसका सिस्टम क्या बना हुआ रीएब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है। इन ए हेल्दी एडल्ट द इनिशियल फिल्टर ऑफ द 180 लीटर डेली, माने 180 लीटर जो है वो क्या हमारे बॉडी के अंदर में जब घूमता है तो क्या 1 to 2 लीटर जो है यूरिन जो है वो हमारे बॉडी के अंदर बनता है। ये डिपेंड करता है क्या हम पानी कितना हम पीते हैं, कितना ड्रिंक करते हैं, तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। इससे क्या 1 to 2 लीटर डे इज द एक्सक्रीटेड आउट बिकॉज द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज द रीअब्सॉर्ब इन द किडनी ट्यूब्यूल्स। मतलब क्या हुआ 1 to 2 लीटर तो पेशाब निकल करके बाहर हो गया, लेकिन जो रिमेनिंग 180 लीटर का था वो क्या हुआ रीअब्सॉर्ब हो गया, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी था। इन बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट है, वाटर इज रीअब्सॉर्ब बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ द एक्सेस वाटर इन द बॉडी एंड अमाउंट ऑफ द डिसॉल्वड वेस्ट इज द एक्सक्रीटेड। जो उसमें जो पानी होगा वो यूरिन के रास्ते जो है वो निकलेगा, जो शेष पानी होगा वो बॉडी जो है पुनः एब्सॉर्ब कर लेगा। यहाँ पर यह बात क्लियर होनी चाहिए। अब इसको समझेंगे, इसको मैं किस तरीके से डायग्रामेटिक रूप से समझा रहा हूँ बहुत क्लियर से, फ्रॉम द स्टार्टिंग जो है एक बार आपका वो मैं रिविजन टाइप से करा रहा हूँ, फिर से आप इसको देखेंगे। नेक्स्ट,
किडनी का जो बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है वो नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन जो है वो डिफ्राइड है नेफ्रॉस से, इसका मतलब क्या होता है, किडनी होता है। प्रत्येक जो किडनी होती है वो 1 मिलियन नेफ्रॉन होती है, जो कि वेस्ट एक्सक्रीशन, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, पीएच मेंटेनेंस और सेवरल बहुत सारे अदर फंक्शंस को निपटाती है। और मैं अब देखते हैं किडनी के किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें बहुत ही माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पे देखते हैं तो इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स होता है और इनर मेडुला होता है। जब हम बहुत ध्यान से देखते हैं तो नेफ्रॉन का बहुत सारा पार्ट जो होता है वो कॉर्टेक्स में होता है और बहुत सारा पार्ट जो है मेडुला में इंगित होता है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि किडनी के अंदर यह पाया जाता है। अब मैं एक नेफ्रॉन के पूरी स्ट्रक्चर को देखते हैं कि किस प्रकार से नेफ्रॉन जो है वो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होता है और यह 35 से लेकर के 55 मिलीमीटर लंबा होता है और यह जो है 2 भागों में डिवाइड होता है। इसमें सबसे पहला जो होता है बोमेन कैप्सूल होता है और जो एक रीनल ट्यूबूल होता है, ये देखिए ये रीनल ट्यूबूल है ग्रीन कलर से। इसके पश्चात आप ये देखेंगे कि जब हम बोमेन कैप्सूल का जो स्ट्रक्चर जो बनाते हैं तो किस तरीके से ये कप लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको कि हम बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। और ये बोमेन कैप्सूल के अंदर जो स्काई ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसको हम बोलते हैं बोमेन स्पेस बोलते हैं। और इसके अंदर जो है बहुत सारी वाहिकाएं क्लस्टर ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं जिसको कि ग्लोमेरुलस शब्द को लैटिन वर्ड इसका ग्लोमर से होता है जिसका मतलब होता है कि बहुत सारी जो है वाहिकाएं इसके अंदर मौजूद होती हैं। इसमें 2 वाहिकाएं दिखाई देती हैं, एक तो एफरेंट ब्लड वेसल्स कहते हैं और एक को कहते हैं जो निकलती है बाहर आउट ऑफ साइड में उसको इफरेंट वेसल कहते हैं। अल्फाबेट में जो है ए जो है पहले आता है और ई बाद में आता है, तो ए जो है इंट्री करेगा एफरेंट वेसल से एंट्री करेगा और निकलेगा इफरेंट वेसल से। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो होता है रीनल कॉर्पस्कल्स कहलाता है। ठीक इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, अब इसमें देखेंगे कि किस तरीके से अदर एंड जो है इसका उसको कहते हैं रीनल ट्यूबुल्स कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, यह एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और यह फोल्डलेट स्ट्रक्चर होता है, फोल्डेड स्ट्रक्चर, और यह बोमेन कैप्सूल होता है एक एंड में और दूसरा जो होता है जो डक्ट होता है जो कि कलेक्टिंग डक्ट कहलाता है। पहला जो ट्यूबुल जो होता है, पहला जो स्ट्रक्चर होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स होता है, दूसरा जो होता है लूप ऑफ हेनली, लूप बना हुआ है ब्लू कलर में जो दिखाते हैं, और तीसरा जो होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स कहलाता है, और सबसे लास्टली जो है कलेक्टिंग डक्ट होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट जो लास्टली आके ग्रीन कलर में दिखा रहे हैं उसको बोलते हैं। अभी आपने जो है वीडियो के अंदर देखा कि किस तरीके से बीन शेप जो था वो किडनी थी और किस तरीके से उसका एडजस्टमेंट था, आपको क्लियर पता चल गया। अब मैं आपको नेक्स्ट जो पोजीशन दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा कि पूरा जो नेफ्रॉन है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है और क्या उसकी जो है पूरी की पूरी संरचना है। तो सबसे पहले क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होता है, यहां पर ये बात ध्यान रखेंगे प्रॉक्सिमल जो होता है इसका मतलब नियर टू बोमेन कैप्सूल, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब क्या हुआ कि वेरी फोल्डेड स्ट्रक्चर, बहुत छोटी सी जगह में बहुत फोल्डेड स्ट्रक्चर है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो यह जो है पूरी डिटेल जो है वीडियो अब मैं आपको दिखाऊंगा और आप उसको देखना और उसके बाद देख करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम रीनल ट्यूबुल की संरचना को भली भांति से समझते हैं। रीनल ट्यूबुल के एक पार्ट पर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स होता है जिसको कि हम प्रॉक्सिमल जो है इसका मतलब है कि बोमेन कैप्सूल से बहुत करीब, कॉन्वोल्यूटेड का मीन्स होता है हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर जो कि बहुत लंबी एरिया को जो है छोटे से जगह में समाहित करता है, यह पूरा कॉर्टेक्स रीजन में मौजूद होता है। ठीक इसके बाद जो है मेडुलर रीजन शुरू होता है, वहां पर जो है लूप ऑफ हेनली देखी जाती है। इसमें लूप ऑफ हेनली में डिसेंडिंग लिम्ब होता है और एक असेंडिंग लिम्ब होता है। असेंडिंग लिम्ब जो है वो जाकर के क्या है डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स के अंतर्गत वो जाके खुलता है, DCTs को बोलते हैं। डिजिटल मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, ये फॉर अवे फ्रॉम द बोमेन कैप्सूल, और कॉन्वोल्यूटेड का मतलब क्या हुआ हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर जो बहुत ज़्यादा फोल्डेड है और एक छोटी सी जगह में समाहित होता है। ये DCT जो है कंडक्टिंग
डक्ट्स में जाके खुलता है, इसके बाद कंडक्टिंग डक्ट जो है लार्जर कंडक्टिंग डक्ट्स में खुलते हैं, फिर वो पेल्विस रीजन में जाता है, फिर वो क्या है वो यूरेटर में पहुंचता है। यह पूरी संरचना रीनल ट्यूब्यूल्स के अंतर्गत होती है। क्लियर हो गई पिक्चर? आपने पूरा जो है डिटेल देख ली कि किस तरीके से प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, फिर उसके बाद क्या है लूप ऑफ हेनली, फिर उसके बाद क्या हुआ डिसेंडिंग असेंडिंग, और उसके बाद क्या हुआ डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, उसके बाद कंडक्टिंग डक्ट में आकर के यूरिन जो है वह पहुंचा। अब हम यहां पर नेक्स्ट आपको जो समझा रहे हैं उसको आप देखो, और देखने के बाद आप अंदाज लगाओ किस तरीके से जो है यह ब्लड का छन्ना होगा और पूरा जो है उसकी प्रक्रिया होगी। आइए अब हम समझते हैं किस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन होता है हमारे शरीर में। सबसे पहली प्रक्रिया जो होती है उसको कहते हैं फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन। यह जो चार स्टेप में यह प्रक्रिया पूर्ण होती है। आइए हम समझते हैं कि यह जो पूरा नेफ्रॉन है इसके अंदर किस तरीके से जो है ग्लोमेरुलर सेल्स जो होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, किस तरीके से वोमन स्पेस में फिल्ट्रेशन का काम करती हैं। ये ध्यान रहे कि अपने ये जो ब्लड की प्रक्रिया है, यह ब्लड जो है वह रीनल आर्टरी के माध्यम से जो है वह ग्लोमेरुलर ट्यूब्यूल्स के अंदर ब्लड जाता है। यहाँ पर जिस भाग से जाता है उसको हम एफरेंट बोलते हैं, एफरेंट वेसल्स बोलते हैं, और यह जो है पूरा ग्लोमेरुलर ट्यूब्यूल्स में घूम करके एफरेंट वेसल्स के माध्यम से वह निकल जाता है। तो इस दौरान जो है ग्लोमेरुलस जो ट्यूब्यूल्स होती है वहाँ से क्या है ब्लड जो है वो वोमन स्पेस में जो है वो छन जाता है। वहाँ पे छनने के बाद जो फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है वह जो है पूर्ण रूप से ब्लड को जो है वो छान करके, और उसके बाद क्या है जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से होता हुआ ब्लड जो है वो फिर उसके बाद क्या है कि नीचे आता है, नीचे आकर के लूप ऑफ हेनली में जाकर के, और वहाँ पर जो है ब्लड जो है रीअब्सॉर्ब होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। देखिए ये स्ट्रक्चर देखिए कैसे ग्लोमेरुलर सेल्स जो हैं वो फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूर्ण कर रहे हैं। ग्लोमेरुलर ट्यूब्यूल्स जो हैं वो पूरा वोमन स्पेस में ये पूरा फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। यह ध्यान रहे। अब इसमें जो स्पेसिफिक एरिया है इसको जो हम देखते हैं इसमें हमको थ्री लेयर्स दिखाई देती हैं। जो फर्स्ट लेयर होती है उसको कहते हैं ब्लड वेसल वॉल बोलते हैं, दूसरी जो होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और तीसरी जो होती है वो पोडोसाइट्स कहते हैं। इन पोडोसाइट्स के बीच में जो है थोड़ा थोड़ा जो है वो स्पेस होता है, वहाँ पर जो है वह प्रक्रिया जो है फिल्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वह देखी जाती है। देखा आपने किस तरीके से वीडियो में क्लियर कट पिक्चर, ऐसा आपको कभी नहीं लगेगा कि एक एक चीज एक एक स्टेप जो है क्लियर किया गया फॉर्मेशन ऑफ यूरिन का, कैसे फिल्ट्रेशन हुआ, कैसे रीअब्जॉर्प्शन हुआ, कैसे क्या है सिक्रीशन हुआ, कैसे एक्सक्रीशन हुआ, ये चारों स्टेप्स क्या है क्लियर बताया गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि यह जो वोमन कैप्सूल है जो कप शेप स्ट्रक्चर है उसमें जो एफरेंट वेसल्स आ रही हैं और एफरेंट से जो निकल रहा है और जो ब्लड प्लाज्मा किस तरीके से ग्लोमेरुलर उसमें वोमन स्पेस में छन रहा है उसकी कैसी प्रक्रिया होती है अब इसको भली भांति समझेंगे। साथ में ये भी देखना है कि जो रीअब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया है क्योंकि इसको बहुत बारीकी से समझना है इतना क्लियर कट, जिसलिए मैंने स्केच करके बनाया है कि आपको एक एक पॉइंट जो है वो क्लियर हो। तो किस तरीके से रीअब्जॉर्प्शन होता है, कैसे NaCl का होगा, कैसे अमीनो एसिड का होगा, कैसे वाटर का होगा, लूप ऑफ हेनली का क्या वर्क होगा, ये एक एक चीज इस वीडियो में क्लियर होगी। नेक्स्ट आओ हम सब मिलकर के ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को हम समझते हैं। यहाँ देखें कि एफरेंट आर्टरीज के माध्यम से और जो ग्लोमेरुलर ट्यूब्यूल्स है उसके माध्यम से किस तरीके से ब्लड जो है अंदर आता है, ग्लोमेरुलर ट्यूब्यूल के माध्यम से वो छन करके जो है ग्लोमेरुलर स्पेस में पहुँचता है, और यहाँ पर जो है सॉल्यूट ब्लड प्लाज्मा के माध्यम से जो है वो क्या है यहाँ पर जो छन जाते हैं। लेकिन जो पूर्ण रूप से ये देखा जाता है कि जो ब्लड प्लाज्मा के से 5% ही अबाउट 5% जो है वो फिल्टर होता है, नहीं तो सब वो क्या है इफरेंट
वेसल्स के माध्यम से बाहर निकल जाता है। जो चीज़ इसमें यहाँ पे फिल्टर नहीं होती है वो रेड ब्लड सेल्स है और प्रोटीन होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना है यहाँ के थिकर वेसल्स को और थिनर वेसल्स को। थिकर वेसल्स जो होते हैं वो एफरेंट वेसल्स के होते हैं और थिनर वेसल्स जो होते हैं वो इफरेंट वेसल के हैं। ब्लड जो है वो चौड़ी नली से आता है और पतली नली से जो है वो बाहर निकलता है। तो दिस क्रिएट ए प्रेशर इन द ग्लोमेरुलर ट्यूब्यूल्स टू फिल्ट्रेट द ब्लड प्लाज्मा एंड ऑल द साल्ट्स एंड द मिनरल्स इन द प्लॉम्बोमेंस कैप्सूल्स। ये चीज़ जो है बहुत क्लियर होनी चाहिए कि किस तरीके से बोवन कैप्सूल के अंदर ये फिल्ट्रेशन होता है। फिर इसको मैंने अटैच किया। अटैच करने के बाद देखते हैं कि फिल्ट्रेट प्लाज्मा कलेक्टेड इन द बोवन स्पेस ब्लू कलर वाला जो है उसको, और वो क्या है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर ये आगे बढ़ जाता है। ये जितना फिल्ट्रेट होता है वो यूरिन बनाने के लिए जो है आगे बढ़ता चला जाता है। यह जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स है वो पूरी संरचना जो होती है वो इस तरीके से घूमी रहती है, और जो ये फिल्ट्रेशन होता है उसमें NaCl, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स ये जो है वो PCT के अंतर्गत जो है वो छन करके आते हैं। इसमें देखा जाता है कि NaCl का और साथ में ग्लूकोज का और उसके बाद वाटर का यह जो है वो रीअब्जॉर्प्शन होता है। यह बात ध्यान रखेंगे, साथ में अमीनो एसिड का भी जो है रीअब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि ग्लूकोज बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे बॉडी के लिए। अब ये देखें कि पूरा जो है ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद जो रीनियल पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के माध्यम से पूरा ये संरचना बन करके तैयार हुई है। अब इसको क्या है रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। यहाँ पर जो है जो एंड सेम न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनका पुनः रीअब्जॉर्प्शन होता है ब्लड से गट तक। तो जो गट से जो है वो ब्लड में जो जाते हैं वो ये एरो के माध्यम से दिखाया है। यहाँ पर जो है रीअब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण होती है। अब ये देखेंगे कि जो रीअब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है उसमें 70% NaCl, 70% जो है वाटर, 95% जो है ग्लूकोज और 95% से अधिक जो है वो क्या है वो अमीनो एसिड जो हैं वो जो हैं वो PCT के अंतर्गत जो है रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो होता है लूप ऑफ हेनली का होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर से डिसेंडिंग आर्म से जो है नीचे आते हैं और असेंडिंग लिम्ब के ऊपर जब चढ़ते हैं उस समय सोडियम 25%, कैल्शियम 25%, पोटेशियम 20%, मैग्नीशियम 60% जो है वो ये साल्ट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, आपने वीडियो देखी, बहुत अच्छे ढंग से पिक्चराइजेशन के माध्यम से एक एक स्टेप उसका क्लियर किया, और ये मैंने डिस्कस किया कि कैसे ब्लड के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट आया वह किस तरीके से किडनी नेफ्रॉन के माध्यम से पूरा का पूरा छना, छनने के बाद वो क्या हुआ पेशाब का निर्माण हुआ, जिसमें कि जो वेस्ट जो था जो यूरिया था जो यूरिन की उसमें मिलकर के पूरा का पूरा जो है बॉडी से निकल गया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपकी फॉर्मेशन ऑफ यूरिन की भी प्रक्रिया पूर्ण हुई, आपने सारी वीडियो देख ली। अब हमें ये समझना है कि ये जो यूरिन है उसमें क्या क्या भाग होता है, क्या क्या वेस्ट होता है, इस चीज़ को हमें बहुत अच्छे से समझना है और ध्यान रखना है। तो अब देखेंगे कंपोजिशन ऑफ यूरिन। कंपोजिशन ऑफ यूरिन में वाटर जो है 95%, यूरिया जो हमारे शरीर के लिए जहर है, पॉइजनस। बहुत लोगों का होता है जब किडनी खराब हो जाता है तो पूरा चेहरा मुंह हाथ पैर ये सब क्या सूज सा जाता है, वो क्या होता है यूरिया के कारण होता है। तो यूरिया सबसे हार्मफुल है जो कि हमारे बॉडी से एक सेकेंड भी उसको मतलब क्या है डाला डिले नहीं, तुरंत उसको आउट करने की प्रक्रिया होनी चाहिए। तो वाटर 95%, यूरिया 2%, और जो उसका पीएच होता है पेशाब का पीएच जो होगा वो क्या होता है 4.8 होता है। ध्यान रखेंगे CBSE में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ये जो यूरिन का पीएच होता है वो कितना होता है, तो 4.8 का होता है। मेडिकल में भी नीट में भी ये पूछा जाता है। नेचर इसका जो होता है एसिडिक होता है, मतलब अम्ली होता है, खट्टा सा होता है। नेक्स्ट पिगमेंट जो होता है, हम देखिए कि पेशाब यदि हम रेगुलर हम रूटीन में कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है,
चल रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद यदि मान लीजिए 4-3 घंटे के बाद 4 घंटे के बाद यदि हम पेशाब करते हैं तो क्या होता है, जब यूरिनेट करेंगे तो उसका एक कलर होता है येलो हो जाता है। वो येलो क्यों होता है? ड्यू टू द यूरोक्रोम होता है। यह ध्यान रखेंगे, यह मेडिकल का भी क्वेश्चन है, सीबीएसई में भी पूछा गया है 1 नंबर में कि येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू द यूरोक्रोम, ध्यान रखेंगे। और जो स्मेल जो होती है यूरिया की वो क्या है, वो दिखाता है स्मेल जो है यूरिन की वो क्या है, अमोनिया जैसी गंध होती है। वैसे इस पेशाब में कोई भी गंध नहीं होती है, लेकिन जैसे ही पेशाब जो है वो किया जाएगा, वो जो अमोनिया जो होगा वो कन्वर्ट कर देता है, वो क्या होता है यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। और क्या होता है, उससे एक फाउल सी स्मेल आती है, जो पब्लिक प्लेस के टॉयलेट होते हैं जहाँ पर यदि पानी नहीं पड़ता तो देखते फाउल स्मेल होती है, वो किसकी होती है, वो अमोनिया की होती है। यह ध्यान रखेंगे, क्योंकि अमोनिया जो है वो तुरंत क्या है यूरिया में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया कर लेती है, और यहाँ पर क्या विभिन्न प्रकार के माइक्रोब्स लग जाते हैं। नेक्स्ट, हमने देखा कि यूरिन की कंपोजिशन कैसी होती है। नेक्स्ट जो है डिजीज ऑफ किडनी, किडनी से संबंधित कौन कौन से प्रमुख रोग होते हैं, बहुत क्लियर समझेंगे। आजकल एक सबसे बड़ी जो समस्या हुई है वो क्या हो गई है, स्टोन का होना। जिसको देखो किसी के किडनी में, किसी के गाल ब्लैडर में, किसी के यूरेटर में, कहीं ना कहीं कोई स्टोन है। तो स्टोन है, इसका मतलब क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्सलेट का डिपोजिशन हुआ है। मतलब जो वहां पर जो हम पानी पी रहे हैं या कोई चीज है उसका डिपोजिशन होकर के क्या हुआ, पथरी का निर्माण कर लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं, स्टोन बोलते हैं। नेक्स्ट जो है यूरेनिया कहते हैं NH3। बहुत लोगों के क्या होता है पेशाब में से कितना बहुत गंदी स्मेल आती है, फाउल स्मेल आती है, उसमें क्या मतलब NH3 के कारण होता है, यह भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ग्वाइटर, ग्वाइटर जो होता है वो क्या होता है, जोड़ों का जो है दर्द जो होता है, खास करके ये बूढ़े लोगों में देखा जाता है, उठने बैठने में चलने में, और कहीं बैठेंगे तो एकदम बहुत धीरे धीरे बैठेंगे लाठी के सहारा लेकर के, तो क्या हुआ वो क्या है, ग्वाइटर के कारण है, जो क्या है यूरिक एसिड के कारण होता है, जो जॉइंट्स में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वो भी क्या किडनी की डिजीज है। नेक्स्ट जो है वो है फेलियर ऑफ किडनी, कभी कभी देखा जाता है जो लोग जो है बहुत ज्यादा नशा करते हैं, जो शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उनकी क्या है एकाएक कभी कभी क्या होता है कि किडनी जो है वो फेलियर हो जाती है, उनमें काम करना बंद कर देती है, फिर वो क्या होता है उनको डायलिसिस पे ले जाता है या फिर ट्रांसप्लांटेशन, उनका ट्रांसप्लांट किया जाता है किडनी, यह चीज ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट जो है यह ध्यान रखेंगे कि 48 घंटे के अंदर, जैसे मान लीजिए क्या हुआ, कोई व्यक्ति है उसको किडनी की जरूरत थी, और एक व्यक्ति जो है उसका एक्सीडेंट हुआ, बाय द वे उसका ब्लड मैच कर गया, तो 48 घंटे के अंदर क्या हुआ, मरे हुए जो व्यक्ति होगा उसकी किडनी निकाल करके अच्छे व्यक्ति में जो है उसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, यह चीज ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अब क्या है इसके बाद देखेंगे, मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझेंगे इसका। जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है प्लांट के अंदर क्या होता है, रेजिन और गम, क्लियर हो गई बात, रेजिन और गम। किसी पौधे को ले लो उसमें क्या चाकू ऐसे ऐसे कर दो तो क्या होगा, देखा जाता है कि उसमें से क्या है गम सा चिपचिपा पदार्थ सा निकलने लगता है, उसको रेजिन बोलते हैं और गम बोलते हैं। एक चीज होता है यूरोटेलिक, यूरियोटेलिक का मतलब क्या होता है, ये टर्म ध्यान रखेंगे, यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक का मतलब क्या होता है, उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, यूरिया होगा, जो कि मैमल्स के अंदर दिखाया जाता है, मतलब हम लोग में जो स्तनधारी जीव होते हैं उनके अंदर जो है यूरियोटेलिक, हम लोग क्या है यूरियोटेलिक है, तो यहां हम लोग का एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट है वो क्या है यूरिया है। फिर क्या है यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक क्या हो गया, वो क्या यूरियो टेलिक जो है यूरिक एसिड होगा, या क्या बर्ड्स और रेप्टाइल्स में जो है वो पाया जाता है, क्लियर हो गई बात, ध्यान रहेगा। और यहां एमिनोटेलिक जो है उसमें क्या फिश और इंसेक्ट में दिखाया जाता है, इसका जो वेस्ट होता है वो क्या होता है अमोनिया होता है, NH3 होता है, फिर ठीक है। और यहां पे क्या है यह क्या है ग्वानोटेलिक जो होता है उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो ग्वानिन होता है, जो कि स्पाइडर में दिखाया जाता है। बहुत लोग होते हैं ना मम्मी दादा बाबा बोलते हैं कि कभी कभी क्या होता है यहां पर जो है दाने से निकल जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि यह जो है स्पाइडर ने यूरिनेट कर दिया है, तो उनमें क्या होता है ग्वानिन होता है, जो क्या प्रोटीन से क्रिया करके पूरा क्या है एक तरीके से दाना इंफेक्शन से क्रिएट हो जाता है, तो यह जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, यहां पे ध्यान रखेंगे। यहां पे थोड़ा सा एक डिस्टरबेंस लग रहा है, यह टैपिंग एरर है, यह यूरिकोटेलिक है, यूरिकोटेलिक
देखो यूरियोटेलिक तो क्या हो गया, यूरिया हो गया मैमल्स में, ये टाइपिंग में गलती हो गई है, ये यूरिकोटेलिक है, तो यहां पर ये ध्यान रखेंगे इसका यूरिक एसिड होता है, ये क्लियर हो जाएगा। अब हमने क्या हुआ, किडनी के सारे रोग के बारे में बता दिए। अब क्या हुआ, कई लोग का क्या होता है, जो शुगर पेशेंट होते हैं उनकी शुगर जो है वो काफी बढ़ जाती है, तो क्या होता है किडनी में प्रभाव पड़ता है, किडनी जो है खराब होने लगती है। जब किडनी खराब होने लगती है तो तुरंत क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी मतलब हीमोडायलिसिस के ऊपर जो है वो बंदा चला जाता है। उसका क्या है, हर हफ्ते पे 10 दिन पर जैसा भी डॉक्टर सजेस्ट करता है उसको क्या करता है कि यह जो है प्रक्रिया डायलिसिस पे जाता है, जिससे कि क्या है शरीर के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है उस वेस्ट प्रोडक्ट को क्या आर्टिफिशियल ढंग से निकाला जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डायलिसिस बोलते हैं, और अपने बायोलॉजी के टर्म में इसको कहते हैं हीमोडायलिसिस कहते हैं। हीमो मींस क्या होता है, रक्त, और डायलिसिस का मतलब क्या, उसका अपोहन, बट पूरा का पूरा जो है छन्ने का काम क्या होता है, इसको हीमोडायलिसिस कहते हैं। तो किडनी फेलियर होने लगती है, द किडनी फेलियर लीड द एक्युमुलेशन द पॉइजनस वेस्ट इन द केस ऑफ द आर्टिफिशियल किडनी इज यूज इन टू डिवाइस टू रिमूव द नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू द किडनी थ्रू द डायलिसिस। मतलब क्या हुआ कि हम आर्टिफिशियल सिस्टम लगा करके ब्लड को छानते हैं और उसके अंदर से जो जहर है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको निकालने का काम हम करते हैं। आर्टिफिशियल किडनी कंटेन मेनी सेमी परमेबल ट्यूब्यूल्स सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड इन द डायलिसिस फ्लूइड, इट हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड बट नो नाइट्रोजन वेस्ट। तो ये क्या होता है, सेमी परमेबल जो ट्यूब्स होती हैं उनके माध्यम से होता है, ये जो है ये पूरी है, सेमी परमेबल ट्यूब्यूल्स होती है, मेम्ब्रेन्स लगी होती है, उनसे क्या है ये प्रक्रिया होती है। व्हेन द पेशेंट ब्लड इज द पास थ्रू द टेस्ट द ट्यूब द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द ब्लड डिफ्यूज टू इन द डायलिसिंग द फ्लूइड। यहां से क्या होता है, रक्त को जोड़ देते हैं, ये क्या है, ये पंप करते हैं, पंप करके यहां जाएगा, इसके बाद क्या है, ये क्या है पूरा का पूरा जो है वो साफ होने की प्रक्रिया होती है, और जिसके कारण क्या है ब्लड फिर क्या है स्वच्छ होता है, जितने वेस्ट होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। यह प्रक्रिया जो है ये एकदम किडनी की भांति काम करता है, इसको हम आर्टिफिशियल जो है डायलिसिस बोलते हैं, हीमोडायलिसिस इसका नाम है। क्लियर हो गई बात, ध्यान रहेगा कि डायलिसिस क्या चीज होती है। नेक्स्ट, अब देखिए क्या है, ऑर्गन डोनेशन की बात आती है। मैंने भी आपको बताया था कि किसी व्यक्ति को किडनी फेलियर हो गई, उसको क्या है डोनेट करना है। तो याद रखेंगे कोई स्वस्थ व्यक्ति जो है वो एक किडनी के पर पूरी ताज जिंदगी गुजार सकता है, आराम से रह सकता है। बहुत लोगों के घर में घटना घट जाती है, किसी का क्या है किडनी खराब हो जाती है, तो माँ है, भाई हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, जिनका ब्लड मैच कर जाता है वो अपना किडनी जो है डोनेट कर देते हैं। और यह देखा जाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यदि डोनेशन होगा तो क्या होगा, वह ट्रांसप्लांटेशन जो है वो पहले वो 48 आवर्स के अंतर्गत क्या है हो जाना चाहिए। यह बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से ऑर्गन का डोनेशन होता है, किडनी जो है वो डोनेट की जाती है, एक व्यक्ति से दूसरे में वो किडनी जो है ट्रांसप्लांट कर दी जाती है। नेक्स्ट, क्लियर हो गई बात। तो हम लोगों ने अब डायलिसिस के बारे में सीख लिया, ट्रांसप्लांटेशन के बारे में सीख लिया। आज मैं फिर एक बात कह रहा हूं, आज बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, सब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पूरी तरकीब से इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव में जरूर शेयर करेंगे। मुझे जो लगता है कि जो ये वीडियो बनी है इसको देखने के बाद फिर आपको किसी भी एडुकेटर को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही अच्छे ढंग से अपने बच्चों के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए मैंने यह जो है वीडियो बनाई है। तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इससे एक ही फायदा होता है कि जब भी मैं ऑनलाइन आऊँगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप तुरंत मुझसे जुड़ेंगे, और साथ में अपने स्कूल के नाम के सहित जो है आप हमको कमेंट करेंगे, कोई चीज़ नहीं आती उसको जरूर पूछेंगे, और NCERT को जरूर फॉलो करेंगे, लाइन बाई लाइन NCERT पढ़ेंगे। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, सबसे पहला काम है NCERT पढ़ना। याद रखेंगे जैसे हिंदुओं में, मुसलमानों में, हर धर्म में कोई ना कोई ग्रंथ होता है, अपने हिंदू में क्या है गीता है, रामायण है, इसी तरीके से जो बच्चे जो हैं 10th की तैयारी कर रहे हैं, 12th की तैयारी कर रहे हैं, उनकी सबसे बेस जो गीता है, रामायण है, वो क्या है NCERT बुक है। NCERT बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, उसको खूब अच्छे से समझेंगे और आत्मसात करेंगे, तो ठीक है, ध्यान रहेगा। अब हम आगे चलते हैं,
अब जैसे एक्सक्रीशन जो हुआ वो एनिमल में हो गया, मैंने पूरी प्रक्रिया आपको बहुत अच्छे से समझा दी। अब देखेंगे प्लांट्स के बारे में, एक्सक्रीशन इन द प्लांट्स। तो एक्सक्रीशन क्या है, प्लांट में ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड एज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, मैंने आपको पहले ही बताया था। देखो एक बार और ध्यान रखेंगे, यह जो है क्रमिक रूप से आपकी सातवां लेक्चर होगा, सेवन, इससे पहले जो है आपके छह लेक्चर हो चुके हैं। जो भैया जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो जरूर पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, पार्ट फाइव, सिक्स जरूर देखेंगे, उनको बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो पहले पार्ट वन में मैंने बताया था कि ऑक्सीजन जो होता है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में होता है। O2 और CO2 एक्सेस वाटर आर रिमूव्ड बाय द ट्रांसपायरेशन, क्लियर हो गई बात। ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया मैंने खूब सिखाई, स्टोमेटा के माध्यम से होगा, यह जो है ट्रांसपायरेशन से हो जाएगा। मैंने अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन द वैक्यूल्स, बहुत से जो प्लांट सेल होते हैं उनके अंदर वैक्यूल्स पाया जाता है, रिक्तिकाएं जिनको कहते हैं, उसके अंदर जो है वो स्टोर्ड हो जाता है ये वेस्ट जो होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट मे बी द स्टोर्ड इन द लीव इन द फॉल ऑफ द स्टोर्ड इन द लीव दैट फॉल ऑफ, जो क्या बहुत सी प्लांट में क्या होता है जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं लीफ में आकर के सुरक्षित हो जाएंगे और समय के बाद पतझड़ के साथ क्या है वो लीफ जो है गिर जाती है, नष्ट हो जाती है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। सम वेस्ट प्रोडक्ट आर द स्टोर्ड एज ए रेजिन एंड गम, स्पेशली द ओल्ड जाइलम प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट द सम वेस्ट सब्सटेंस इन टू द सॉयल अराउंड दैम, तो याद रखेंगे जो ये वेस्ट है वो मैंने भी बताया था, सिखाया था आपको, गम और रेजिन जो है वो ओल्ड जाइलम के द्वारा जो है वो डेवलप होते हैं, इस चीज को ध्यान रखें, वो स्टोर्ड होते हैं उसमें। प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट द सम वेस्ट सब्सटेंस इन टू द सॉयल अराउंड दैम, जो क्या है प्लांट जहां पे भी स्थिर है वहां के जो सॉयल है वहां पे भी बहुत सारे क्या है अपने वेस्ट प्रोडक्ट को कहता है वो छोड़ता है। तो ये क्या है, दिस इज द ऑल अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द प्लांट्स एंड एनिमल। बहुत अच्छे से इसको समझेंगे, पूरी तरकीब से इसको ध्यान रखेंगे और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और एक ही बात मैं कहना चाहूंगा यहां पुनः कि जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लिंक को सच्चे मन से हर व्हाट्सएप ग्रुप में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव में जरूर शेयर करें। देखेंगे कि धीरे धीरे बायोलॉजी क्लास बहुत बड़ी क्लास में परिवर्तित होगी और हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। तो जो भी ये बच्चे इसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वो अपने आप में आत्मसात करेंगे, NCERT को पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।